अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, संडे बाज़ार के हालात हैं, देख सकते हैं आप लोग। पुलिस घूम रही है और गाड़ियां हटवा रही हैं, और हम लोग पहुंचे हुए संडे बाज़ार, लेकिन पे कोई सूरत हाल नहीं बन रही है यहाँ पे। एक गाड़ियां वगैरह यहाँ पे आज लगने देंगे, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां यहाँ पे लगी थी सारी यहाँ से हटवा दी गई हैं। अभी भी देख सकते हैं आप लोग, पुलिस वाले घूम रहे हैं यहाँ पे। सारी गाड़ियाँ भी बाहर जा रही हैं, ये रोड पे लग सकती हैं शायद। अगर आप लोग गाड़ी को परचेस करनी है तो आप लोग रोड से परचेस कर सकते हैं, यहाँ पे बाज़ार में मुमकिन नहीं है। क्या पता शाम 5-6 बजे तक यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउ करते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है। इस वक्त जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से हटा दी गई हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, पीछे पूरा ग्राउंड जो है वो खाली है और सारी गाड़ियाँ बाहर जा रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि संडे बाज़ार की क्या सूरत हाल है। लग तो रहा था शुरू में, हम लोगों को कहा गया था कि संडे बाज़ार लगेगा आज, लेकिन अभी जो सूरत हाल देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ग्राउंड से सारी गाड़ियाँ हटा दी गई हैं। तो ये सारी गाड़ियाँ देख सकते हैं बाहर जा रही हैं, अभी ये सारी रोड के बाहर ही लगेंगी। ये पुलिस की वैन वगैरह खड़ी कर देता हूँ, ये सामने खड़ी हुई है, यहाँ से सारी गाड़ियाँ बाहर जा रही हैं। तो ये अपडेट देनी आप लोगों को लाजमी थी, क्योंकि आप लोग काफ़ी दूर से आते हैं संडे बाज़ार अपना, मतलब आते आते यहाँ पर बंदे का 1,500 रुपये खर्चा तो हो जाता है, वो बच जाएगा आप लोगों का। देख सकते हैं हमारे साथ यूट्यूबर भी हैं, कैसन भाई, इसको तो आप लोग जानते होंगे। आप भाई बाजार हटा दिए हैं, हाँ, और बस अभी देख क्या है? कहते हैं आप, ये सही किया है या गलत किया है? देखें अगर देखा जाए तो नॉर्मली सारी चीज़ें जो है वो बने। अच्छा, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है ये भी दिल्ली का सेफ्टी के लिए, क्योंकि हम लोगों की अपनी सेफ्टी के लिए जो ये लोग कर रहे हैं। मैंने भी इसी वजह से चक्कर लगाया था, लोग मेरे पास बात है, मेरा इनबॉक्स जो है वो फुल हो चुका था। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं लोग? भाई अभी कुछ ना करें, ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बाहर रोड पे इम्कान तो है लगने का। क्या लगने का? रोड पे बाजार लगने का इम्कान तो है। रोड पे तो बाजार एक तरीके से अगर आप देखें तो अभी ये गाड़ी ये लग चुकी है, समझ गए। इसके बाद थाने वाली रोड पे जो है वो गाड़ियाँ चली आएंगी। तो ये अच्छा, मस्जिद वाली साइड पे पीछे जो होती है जी, वो थाने की बैक साइड पे जो है। ठीक है भाई, बाकी देखें अल्लाह मालिक। ऐसा भाई मेरे साथ हैं, ये देखते हैं आप लोग, ये भी एक ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, इनके आप लोग देखते होंगे यहाँ पे लोग संडे बाजार के बाद। वैन खड़ी है पुलिस की और ये सारी गाड़ियाँ हटा दी गई हैं यहाँ पे। अभी जितनी भी गाड़ियाँ बाहर आ चुकी हैं, तो अभी देखते हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं, जो अपडेट होगी आप लोगों को शेयर होगी इंशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मोबाइल वगैरह यहाँ पे खड़ी हुई हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ जितनी भी थी हटा दी गई हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ हैं जो उस साइड पर देख सकते हैं आप लोग, ये खड़ी हुई हैं। अब ये भी देखना, थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद हटा देंगे। इसके अलावा मस्जिद वाली साइड जो पीछे आप लोगों को मैंने दिखाई थी, और इसके बाद जो रोड वाली साइड है वहाँ पे शायद आप लोगों को गाड़ी मिल जाए। अगर आप लोग दूर से आना चाहते हैं तो यहाँ पे मत आइए, आज जो सूरत हाल है बिगड़ी हुई है यहाँ की। तो ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ ब्लॉग बनाने आते हैं यहाँ पर, हम लोग भी दोस्तों को गाड़ियाँ वगैरह दिलाने आते हैं। वो मेरा दोस्त बेटा है, उसको भी गाड़ी चाहिए थी, लेकिन आज सूरत हाल ऐसी है कि उसको गाड़ी मैं कहाँ से दिलाऊँ। ये देख सकते हैं मोबाइल वगैरह सब खड़ी हुई हैं, तो गाड़ियाँ ये बाहर लगी हुई हैं। अगर आप लोग यहाँ आसपास रहते हैं, कराची, न्यू कराची के आसपास रहते हैं, अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप लोग को आ सकते हैं। यहाँ पे बाहर रोडों पे गाड़ियाँ मिल सकती हैं, अगर दूर से आते हैं तो मत आइए फिर यहाँ पे। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं कि आगे यहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं कि नहीं। ये इतवार बाज़ार के बाहर वाला रोड है, यहाँ पे थोड़ी बहुत गाड़ियाँ हम लोग मिल जाएंगी। इसके अलावा फिर मस्जिद वाली साइड है, अगर हम लोग वहाँ पे गए तो फिर वो वाला व्यू भी दिखा देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और तो ये गाड़ी है 9 का मॉडल है, 11.5 लाख रुपये फाइनल है इसके। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ही बाज़ार से हटा दी गई हैं गाड़ियाँ, और इस साइड से भी देख सकते हैं आप लोग, ये आने का रास्ता था, इस टाइम को काफ़ी रश होता था यहाँ पे, लेकिन आज नहीं है, गाड़ियाँ सारी हटा दी गई हैं। तो इस गाड़ी की बात चल रही है, देखते हैं, भाई ने 11:30 बोले हैं, देखते हैं हम लोग। अभी इस जगह पे भी पुलिस आ रही है, सामने से देख सकते हैं आप लोग, मोबाइल देख सकते हैं आप लोग, ये आ रही है। अभी यहाँ से भी हटवाएगी गाड़ियाँ, थोड़ी बहुत खड़ी हुई यहाँ से हटवाएगी। एक और जगह है वहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन वो हम लोग जाते वक्त आप लोगों को दिखा देंगे। बाकी ये साइड है, यहाँ पे भी गाड़ियाँ लग रही हैं, क्या पता यहाँ से भी हटवा दें। ये सारी साइडें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और यहाँ दस से थोड़ा सा आगे हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।
सकते हैं आप लोग। अब इस हालात में हम लोग प्राइस अपडेट क्या दें, बहरहाल आप लोगों को पूरी दिखा रहे हैं सूरत हाल क्या है यहाँ पे। और आगे एक और जगह है, वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे, अगर देखेंगे वहाँ पे भी गाड़ियाँ हैं तो आप लोग ज़रूर दिखा देंगे। पर ये रोड पे खड़ी हुई गाड़ियाँ, इनको भी क्या पता हटवा दें, क्योंकि आज थोड़ा सा सख्ती कर दी इन लोगों ने। रोड के उस पर भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। चार का मॉडल कल्टस 5.5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं। इस हालात में भी प्राइस यही है भाई, ये कोई प्राइस करने वाली नहीं है गाड़ियों की। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो इस रोड पे भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और यहाँ से मेरे ख्याल में नहीं हटवाएंगे, ये पीछे की साइड है और इस साइड भी खड़ी होती हैं, लेकिन आज नहीं है। जब इतवार बाजार लगता है तब भी यहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं। 2011 का मॉडल था भाई, 7 लाख रुपए एल्टो। साढ़े नौ मांग रहे थे, 14 की प्राइस है, 9.5 2012 के मांग रहे थे। तो इस साइड पे है ये मस्जिद वाली साइड, हम लोग टर्न करके इधर अंदर की तरफ जाएंगे। पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे रास्ता कहाँ से जाने का। और ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, देखो एक एक कर दुका गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो गई हैं। ये सूरत हाल है आज संडे बाज़ार की भाई। तो हम लोग टर्न हो चुके हैं, अभी जा रहे हैं दूसरी तरफ, देखेंगे क्या सूरत हाल है। मस्जिद वाली साइड पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अभी रश नहीं बना इतना, लेकिन यहाँ पे खड़ी हुई हैं गाड़ियाँ। तो एक और साइड है मस्जिद वाली, वहाँ पे भी जा रहे हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे पहले बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, आज नहीं है। ये साइड है, लेकिन यहाँ पे भी गाड़ियाँ नहीं हैं। तो आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि आज संडे बाज़ार समझो कि ना लगने के बराबर है। देखते हैं शाम तक हम लोग यहाँ पे, आप देखेंगे कितनी तब्दीली आती है, कितना बदलाव आता है, गाड़ियाँ आती है कि नहीं आती यहाँ पे। आम दिनों में यहाँ नहीं होती, जब लॉकडाउन होता है या कोई होता है बाज़ार बंद होती है तब आती हैं यहाँ गाड़ियाँ। ये सारी रोडें भरी हुई होती हैं गाड़ियों की, पर अभी तक तो नहीं है यहाँ पे, 3 दिन का टाइम हो चुका है। यहाँ तक गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं, मेरे ख्याल में ये भी सेल की गाड़ियाँ आई थी यहाँ पे। तो वापसी हम लोग बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, और रोड के लेफ्ट साइड जा रहे हैं हम लोग, राइट साइड। तो ये गाड़ियाँ भी यहाँ पे भी हैं, इस जगह भी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं भाइयों ने, और हटवा देंगे, ये भी हटवा देंगे। जिस तरह की सूरत हाल थी, ये भी गाड़ियाँ हटवा देंगे। ये लीजिए भैया, सरकार यहाँ पे भी पहुँच गई, और यहाँ से भी गाड़ियाँ हटवाएंगे अभी, कुछ लोगों को भी उठा लिया भाई। तो अगर आप गाड़ी लेके आते हैं यहाँ पे, तो मत आइए भाई आज के डेट में, यहाँ पे उठा भी रहे हैं लोगों को। और यहाँ पे पुलिस पहुँच गई है, ये साइड दिखाई थी मैंने आप लोगों को, यहाँ पे पुलिस पहुँच गई है। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं, थोड़ी देर में यहाँ पे पुलिस पहुँच जाएगी मेरे ख्याल में, तो इनको भी मेरे ख्याल में हटवाएंगे थोड़ी देर में। ये सूरत हाल है संडे बाज़ार की। तो ये वीडियो मैं थोड़ा सा जल्दी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आज संडे बाज़ार में सूरत हाल क्या है। हाँ सिर भाई, लोग आए संडे बाज़ार या नहीं आज? नहीं आए भाई, नहीं आए, इनकार है। हाँ खान साहब ने पाबंदी मार दी है। चलो भाई, या सिंध सरकार ने? सरकार ने मार दिया, बोले कोरोना का चौथा लियर बहुत चौथा बार है, कोरोना होश में आ गया भाई, अल्लाह अल्लाह करे यार। आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, पता नहीं कब तक ये ड्रामा चलेगा। तो यहाँ पे भी सरकार पहुँची हुई है, और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। मेन एंट्रेंस गेट है संडे बाज़ार का,
अगर आप लोग यहाँ आएँ तो आप लोगों को पता होगा ये कौन सी साइड है। ये मस्जिद वाली साइड है जिसमें आप लोग, ये बैक साइड है, बैक साइड है तौर बाजार की। मेन गेट तो मेरे ख्याल में यही है ना, मेन गेट ये भी है वो भी है। संडे बाजार में फिर गाड़ियाँ आ गई हैं, अभी भगा भगा के चले गए थे सबको, अभी फिर थोड़ा सा एंटर होना शुरू हो गई हैं गाड़ियाँ संडे बाज़ार में। तो एक नाथ वगैरह लगा दिए हैं, रास्ता वगैरह बंद कर दिया संडे बाज़ार का वैसे तो, वो देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे थोड़ी बहुत गाड़ियाँ आने शुरू हो गई दोबारा, फिर 5-10 मिनट के बाद फिर मोबाइल आ जाएगी, फिर इनको भगा देगी, लेकिन आ रहे हैं यहाँ पर गाड़ियाँ। और उस साइड पर हम लोग जा रहे हैं और वहाँ देखेंगे कि वहाँ कोई गाड़ियाँ हैं कि नहीं है। लेकिन नहीं है, ना होने के बराबर है। ये संडे बाजार के वही हालात हैं आज। भाई ये देख सकते हैं बाज़ार में दोबारा गाड़ियां इंटर हो चुकी हैं, लेकिन अभी इनको फिर भगाएंगे। तो संडे बाज़ार में अभी गाड़ियां नहीं लगने दे रहे आज की डेट में, इंतज़ामिया गायब है, इंतज़ामिया नहीं है। अगर इंतज़ामिया कोई सीन होता तो हो सकता था कि संडे बाज़ार लग जाए, लेकिन ये जो भी गाड़ियाँ लग चुकी हैं ना, ये अभी फिर जाएँगी यहाँ पर, यहाँ से अभी पुलिस दोबारा भी आ सकती है। वहाँ पर वो बंदे वगैरह भी ले गए भाई, काफ़ी मना किया गया है कि यहाँ पे आज बाजार नहीं लगेगा, तो आवाम है, अभी इनको समझाना बहुत मुश्किल है। घर के जो लोग आते हैं गाड़ियाँ बेचने के लिए वो तो आज नहीं होंगे, ये तो आप लोग कंफर्म कर लेंगे कि घर के जो लोग गाड़ियाँ बेचने के लिए आते हैं वो नहीं होंगे। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ ब्रोकर हजरात होंगे, इनको गाड़ियाँ अपनी सेल करनी होती है, रोजी रोटी के लिए आए हैं, तो वो लोग दोबारा घूमने के आ जाते हैं घर से, तो आज रनिंग करेंगे तो कल गाड़ी मिलेगा। ये हमारे लिए सूरत हाल थी। ये मैंने आप लोगों को खबर देनी थी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि संडे बाज़ार आज किस हालत में, किस हालत में भाई। और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट।